ये खुलेगा तब ना 10 को पता चलेगा, ये तो मोड़ दिए हैं। संजय पासवान एक लिखित आवेदन दिए थे कि मेरा मोबाइल जम्मू तवी एक्सप्रेस में ट्रेन में टीटी से बतियाने के उनसे पॉकेट से निकाल लिया, तो उसमें कान दर्द कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। सीसीटीवी देखा गया, सीसीटीवी में फुटेज आया था। फुटेज के क्रम में पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई थी। ये 17 तारीख घटना, कल 18 तारीख को शाम में यही अनुसंधान निकला गया। तो बुकिंग के पास 2 आदमी संदिग्ध अवस्था में देखा गया, लगा कि वही लोग, पुलिस को देख के भागने लगा। यही पुलिस द्वारा उस सब पकड़ने पर एक के पास से चोरी या मोबाइल बरामद हुआ, और दूसरा जो सहेली है उसका झोला, दूसरा जो बच्चा था उस सहेली जो है जिस तरह से करता है घटना झोला बरामद किया, उसका कन्फेशन हुआ। कन्फेशन के बाद उसने अपराध का स्वीकार किया और बोला कि हम लोग इधर हमेशा करते हैं, बाज़ार में रुकते हैं कहीं किराया लेकर, कहीं बाज़ार में रुकते हैं, और बोला कि और मोबाइल चुराए हैं से हम लोग वहाँ मिल जाकर छापामारी होगा। उसके निशानदेह पर छापामारी किया गया और उसके साथ ही साथ और था से वहाँ भी चुराया। तो कुल कितना मोबाइल है और कितने लोग हैं? ये 3 व्यक्ति बच्चा लगा के 3 व्यक्ति है और कुल मोबाइल 10 चोरी लगा। गिरोह में इसके जो गैंग था या गिरोह था उसमें केवल 3 ही लोग थे? ये 3 गो इसका था। और गिरोह में क्या बाकी लोगों के बारे में कुछ जानकारी दिया, कितने लोग क्या काम कर रहे थे क्या है? और ये लोग कहा कि हम लोग 3 गो आए। कहाँ के रहने वाले? रहने वाले हैं 3 पहाड़ बाबूपुर।